अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय ब्लॉग्स। नए आने वालों को बोलूँगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज और उसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स स्पैगेटीज और पानी को मैंने बॉयल कर लिया था। उसमें मैंने डाल दिया था नमक और ऑयल और जब उसके अंदर थोड़े से बॉयल आने लग गए थे तो मैंने सारी स्पैगेटीज उसके अंदर शामिल कर दी थी। इस स्पैगेटीज को परफेक्टली बॉयल करने का तरीका ये है कि आपने जब इसको बॉयल कर लिया 8 मिनट्स के लिए, वैसे तो पैकेट्स के ऊपर टाइमिंग्स लिखे हुए होते हैं, मगर अगर आपको लगे कि जी वो टाइम हो चुका है 8 मिनट तक, तो आपने जो है वो स्पैगेटीज को बीच में से तोड़ना है और अगर सेंटर में आपको नज़र आए कि इसके अंदर एक हल्का सा सेंटर में डॉट है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी स्पैगेटीज परफेक्टली बॉयल हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसको ठंडे पानी से जो है वॉश किया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था ऑयल और इसको मिक्स कर लिया था। कभी ऐसा हो कि आपसे एक्स्ट्रा जो है वो स्पैगेटीज या फिर जो है वो मैक्रोनीज जो है वो बॉयल हो जाएँ तो आपने इसको इस तरह से ऑयल लगाकर फ्रिज में रख देना है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ये आपस में चिपकती नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिए थे 250 ग्राम्स के करीब चिकन और उसके अंदर मैंने शामिल कर लिया था 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर मैंने शामिल किया था नमक और काली मिर्च का पाउडर। नमक जो है वो आपने आगे भी शामिल करना है तो नमक का हिसाब आपने जो है वो अपने हिसाब से रखना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ पे मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रख दिया था और साथ ही मैंने एक पैन के अंदर ले लिया था 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल, पूरा होल गार्लिक जो है वो मैंने जो है वो चॉप करके वो इसके अंदर शामिल किया था। गार्लिक जो है वो आप पूरा लेना है आपने क्योंकि उसी का ही टेस्ट आएगा इसके अंदर। यहाँ पर जो है वो मैंने मैरिनेटेड चिकन शामिल कर ली है। गार्लिक हमने जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ही सी जब इसके अंदर स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, आपने तभी चिकन शामिल कर लेनी है। सारा काम हम हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे। चाइनीज़ जितने भी कुजींस होते हैं वो कभी भी लो फ्लेम के ऊपर नहीं कुक होते हैं, ये एक उनकी टिप होती है। यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया था 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर और साथ ही उसके सोया सॉस। हमारी तरफ जो है वो सिरका और सोया सॉस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो अब मैं जो है वो थोड़ा ध्यान से डालती हूँ। आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको शामिल कीजिएगा। साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था नमक और उसके साथ मैंने इसके अंदर शामिल किया था काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर ली थी और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। पानी हमने बिल्कुल भी इसके अंदर शामिल नहीं करना, हम थोड़ा सा इसको ड्राई रखेंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल किया था केचप, केचप भी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया था। बच्चों को आपको पता है केचप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे हर चीज़ के अंदर केचप डाल के जो है वो खाना पसंद करते हैं। मैंने इसके अंदर ना प्याज शामिल किए ना टमाटर ना कुछ, इस तरह से आप कभी स्पैगेटीज बनाएं बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। मैं थोड़ी सी स्पाइसी स्पैगेटीज बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी शामिल की हैं, अगर आपको लगे कि यह बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो आप जो है वो नमक और मिर्च अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इधर पे फ्रेश, मेरे पास गाजरें रखी हुई थी फ्रोज़न और फ्रेश ही मेरे पास बेल पेपर थी, मैंने वो शामिल करी थी। कभी भी मैं पैकेट की जो है वो सब्ज़ियाँ यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा जो है वो मैं सब्ज़ियाँ मंगवा के ताज़ी उनको काट के फ्रीज करके रख लेती हूँ। और साथ में मैंने इसके शामिल कर ली थी हरी प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा होता है, मैंने वो शामिल किया था और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था ताज़ा जो धनिया होता है हमारे पास वो, मैंने इसको फ्रेश कोरिएंडर मैंने वो शामिल करके इसको मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर ली थी स्पैगेटीज और स्पैगेटीज शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था ताकि जो है वो स्पैगेटीज वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से गर्म हो जाएं। और साथ में आप इसको डिश आउट कीजिए, रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दो में मुझको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।